नाम उषा है, मैं तलपता ग्राम तलपता से हूँ। मैंने अपनी माता और बहनों के लिए ये किया कि महेश शर्मा जी बोल के गए कि यहाँ की माता और विधवा औरतों के लिए पेंसिल बांधी जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 9 महीने जी डोलते डोलते हो गए हमको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। ना ही यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर ना ही कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई हॉस्पिटल है। जाके देखो गांव के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है। ना यहाँ पर कोई स्वीपर दिया गया है। लेकिन गांव की औरतों की ये भी समस्या है कि हम लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। बच्चा बेरोजगार रोल रहा है। हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। आप बाहर की पब्लिक यहाँ पर रोजगार कर रही है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है। महिलाओं के लिए सर कोई सरकारी अस्पताल जच्चा बच्चा कुछ नहीं है जी। हमारे बच्चों महिलाओं के लिए नहीं, विकलांग बच्चों के लिए नहीं, कोई रोजगार नहीं है। लेडीज चाहती है कोई सिलाई सेंटर हो, ब्यूटी पार्लर हो, लेकिन कुछ नहीं। महेश शर्मा ने कोई 10 बार वादा किया, लेकिन कुछ नहीं किया है आज तक उन लोगों ने। हम गांव तिलपता से हैं और हमारे क्षेत्र में हमारे लिए कंटेंट डिपू ने हमारी इतनी मांगे थी कि गांव में स्कूल खुला जाए, कोई डिस्पेंसरी बने, हॉस्पिटल बने, कोई सेंटर खुले और स्वीपर हमको मिले। गंदगी हमारे गांव में इतनी फैली हुई है, ना कोई सुविधा हमें मिली है। और हम बार बार 6 महीने से इनके कंटेनर डिपू के पास जा रहे हैं, हमारी कंटेंट डिपू ने कुछ नहीं सुना है। हमारी इतनी मांगे हैं, अब तक कहते 2 महीने का समय दीजिए, 3 महीने का समय दीजिए, हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हमारे बच्चे विकलांग भी हैं हमारे घर में, माता विधवाएं भी, कैसे कैसे अपना घर चूल्हा चला रही हैं। वो कोई समस्या हमारी दूर नहीं करी। हमारे लिए हमारी ये मांग है कि हमारा गांव तिलपता गोद लिया जाए, हमारी समस्याएं दूर करें, हमारी जो परेशानी है। हम 6 महीने से इसके पीछे आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करें। हमारी माता बहने, कोई बेटा रोटी देता कोई नहीं देता उनके लिए कुछ सुविधा, उनके पेंशन होनी चाहिए, उनके लिए कुछ पैसा बंधना चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। किसी के 2 बच्चे को छोड़ कर जा रहा है। प्रोग्राम है आगे, ये ओमवती मेरा नाम है। ये सन 2000 उसमें 90वां में 100 में गई थी जमीन, नहीं जमीन गई हुई थी। जब सुई कोई बच्चे को रोजगार नहीं दिया, तब वे बोले थे कि हम हर गैल बच्चे को एक को नौकरी लगाएंगे और तुम्हारा पैसा सारा भुगतान किया जाएगा। नहीं तो ये भुगतान किया पैसा अभी हमारा 2.85 का मुआवजा था, जब 1.84 का मुआवजा दिया था उसने। 1 लाख हमारा बाकी पड़ा हुआ है इसमें। नहीं हमारी प्लॉट दी है, प्लॉट आज से 6 साल पहले लेटर दे चुके थे, अब तक भी लेटर का कोई जवाब नहीं आया। क्या है ये कंटेनर को दुनिया धिकल रही है, वैसे ही बच्चे इनको फेंक देते कागजों को भी। पार्वती नाम है हमारी, मांग यू है हमारा मुआवजा जो को जी के भाव गई है जमीन। हमारे बच्चे डोल रहे हैं यूं धक्का खाते, बाहर के न तो लगा रहे हैं, हमारे न लोकल बता रहे हैं। और गांव में कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ना हमारे गांव में अस्पताल, ना कुछ नहीं है जी। बिजली हमें फ्री की होनी चाहिए। नहीं फ्री की आपको क्यों देगा, आपको तो जमीन अधिग्रहण के जब हम गया होगा। हमें गोद लेवेगा, बोला था इसने बोलो हाँ जी, हम गोद लेवेंगे। हमारे बच्चे ने लोकल बता दे, बाहर की दुनिया हमें लग रही है। महेश शर्मा ने नहीं सुना। सरोज नाम है, कंटेनर डिपो पे इसलिए बैठे हुए हैं। गांव में कोई भी सुविधा किसी तरह की नहीं करी। 20 साल से जमीन गई हुई है, बोर्ड पे भी दादरी लिखा हुआ है, तिलपता नहीं लिखा। ना कोई हॉस्पिटल है सरकारी जच्चा बच्चा के लिए, किसी के लिए ना बच्चों के लिए कोई सुविधा है, ना गांव में कोई नौकरी है। जो है एक आध वे मजे ले रहे और भूखे मरो, ठीक है। और हम इसलिए बैठे हैं गांव को गोद लिया जाए। तिलपता गांव में कोई विकास नहीं हुआ, आज तक कोई विकास नहीं हुआ कैसा भी। 6 महीने हमें डोलते हो गए, नहीं सुनते अधिकारी। नहीं आपकी जो जमीन गई थी उसका आपको आपको मुआवजा मिला होगा कोडी के भाव, तो उस समय फिर क्या तय हुआ था? उस समय तो एक घर के लिए एक आदमी की नौकरी भी तय हुई थी, गांव का विकास तय हुआ था, लाइट फ्री हुई थी, प्लॉट विलोट सब हुए थे। अब आपकी जो मांगे हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या होगा? हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे मैं 10 दिन हो जाए गेट बंद कर देंगे ताला।